हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज़ के बायबैक के बारे में, जो कि कल मैंने बताया था कि 12 तारीख को इनकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर बायबैक का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि आज कर दिया है। और किस रेट पर किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज आप देख सकते हैं 1005 के ऊपर चल रहा था, कल 990 के करीब ये स्टॉक चल रहा था और आज का हाई 1019 के करीब है और 52 वीक लो 824 के करीब है। HCL टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी एक IT कंपनी है, जो काफ़ी अच्छी बेहतर कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। और इसका जो बायबैक टोटल होने वाला है लगभग 4000 करोड़ का होने वाला है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस कंपनी का वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि जनरल पब्लिक के पास कितनी शेयर्स पड़े हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं इसके अंदर ड्यू टू बायबैक। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 1,40,000 करोड़ के करीब है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर नीचे के रेट पर आपको मिलता है तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और एवरी ईयर ये डिविडेंड भी दे रहा है, 2 रुपये का इस कंपनी का फेस वैल्यू है, तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। IT कंपनी है और जो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है उससे भी इन IT कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और उसी के कारण ये सारी जो कंपनीज़ हैं हाई पर चल रही हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस हो या कोई भी कंपनी हो, IT कंपनी जो US से ज़्यादा डील करते हैं। और इसका जो बायबैक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका जो लेटर है मैंने निकाला है, ये आप देख सकते हैं। आज इनका मीटिंग था और बोर्ड ने अप्रूव किया है लगभग 4000 करोड़ का, और जो शेयर लेने वाले हैं पर शेयर टोटल 3,63,63,636 शेयर्स ये बायबैक में उठाने वाले हैं। और किस रेट पर उठाएंगे वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है लगभग 1100 के रेट पर ये उठाने वाले हैं। एक शेयर 1100 के रेट से लेंगे लगभग, आपको अगर आपने लिया है कल 990 के करीब, तो आप देख सकते हैं 10% का जो है प्रॉफिट आपको इजीली बायबैक के अंदर हो जाता है। और इसका जो आप देख सकते हैं इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री में होने वाला है थ्रू टेंडर ऑफर। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जनरल पब्लिक में काफ़ी कम शेयर होल्डिंग है, तो ये आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास लगभग 60.17% के करीब है। फॉरेन इन्वेस्टर्स FIs जो बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होल्डिंग उनके पास है। प्रमोटर्स के पास 26.85 की होल्डिंग उनके पास है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके पास 4% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.51% की होल्डिंग है। और जो बॉडीज़ होती हैं जैसे ट्रस्ट हो गए, NBFCs हो गए, उनके पास 0.94% के करीब। और जो रेसिडेंट इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स या मीडियम टाइप के इन्वेस्टर्स, और उनके पास है 2.45% के करीब शेयर होल्डिंग उनके पास पड़ी है। तो लगभग आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न किसके पास जाता है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है आने वाले समय में भी। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, और बायबैक कंपनी कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक जो है फिर से ग्रो कर सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अच्छे लेवल पर अगर ये रेट मिलता है नीचे 1000 रुपये के नीचे, 950-900 के करीब, तो काफ़ी बेहतर आपके लिए रह सकता है इस बायबैक के लिए। और रिकॉर्ड डेट अभी फ़िलहाल अनाउंस नहीं की है, जैसे ही अनाउंस करेंगे आपको मैं बता दूंगा, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो चलिए आज इतना ही बताना था, चलिए थैंक यू।